खुदावंद आपके साथ हो, के साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस मरकस के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 12वें बाब में से मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 28वीं आयत से पढ़ेंगे। उस वक्त फकीहों में से एक ने पास आकर यीशु से पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ऐ इसराइल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, पस तू अपने खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और दूसरा ये कि तू अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फकीहा ने उससे कहा, क्या खूब ऐ उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से और अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार करना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से अफजल है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुरत ना की। अंजील जलील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, वक्त का पंछी अपनी सुबह रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता जाता है। वक्त का पहिया जो है वो घूमता है। आज हम रोज़ों के चौथे जुमे की पाक इबादत में शामिल हैं। दो जुमे बाकी हैं, उसके साथ फिर तीसरा जुमा जो है वो गुड फ्राइडे का होगा, पाक जुमा होगा, जो हमारी नजात का दिन है, कफारे का दिन है, उसको हम मनाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह की पाक सलीब पर बातचीत होगी। आज की पहली तलावत होशिया नबी की किताब में से आपने सुनी है। मुख्तलिफ अंबियाए कराम रोज़ों के बारे में हमें दर्स दे रहे हैं इन रोज़ों के अयाम के अंदर। आज होशिया नबी खुदा की तरफ रजू लाने की बात करता है, खुदा की तरफ लौटने की बात करता है, खुदा को अपना वाहिद कामिल खुदा मानने की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवा रहा है। होशिया नबी हम सबको बताना चाहता है कि ये वो अयाम हैं जिनमें हम अपनी रविशों पर, अपने रवैयों पर, अपनी अदात पर, अपनी फिक्रों पर, अपने अमाल पर और अपनी ज़ात पर गौर व खौज करते हैं और उन तमाम बुरी रविशों को बदल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। होशिया नबी फरमाते हैं कि खुदावंद यूं फरमाता है, ऐ इसराइल खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू ला। और रोज़ों का ये खूबसूरत बाबरकत और पुरफजल मौसम जो है
हमें बार बार इस बात की तरफ लाता है कि हमने खुदा की तरफ लौटना है, खुदा की तरफ रजू करना है, खुदा की बातों को मानना है, खुदा के अहकामात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, खुदा की तालीमात पर गौर व खौज करना है और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करनी है। ऐ बनी इसराइल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू ला, क्योंकि तेरी बदियां तेरे गिरने का सबब हुई, तेरी बदियां तेरे गिरने का सबब हुई। तो हमारे गुनाह, हमारी खताएं, हमारी इंसानी कमजोरियां जो हैं वो हमारे गिरने का सबब बनती हैं। और रोज़ों के नयाम में होशिया नबी हम सबको दावत देता है कि हम अपनी कमज़ोरियों पर गौर व खौज करें, अपनी उन कोताहियों को देखें और इन अयाम के अंदर उनको दूर करने की कोशिश करें, उन्हें तर्क करने की कोशिश करें, उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें और खुदा की तरफ रजू लाने की कोशिश करें, खुदा को मानने की, खुदा पर ईमान लाने की कोशिश करें। इन बातों को कबूल करो और खुदावंद की तरफ रजू लाओ। हमने इन बातों को कबूल करना है कि हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, हमसे ये सारी खताएं हुई हैं और हम अब ये चाहते हैं कि हम अपने खुदा की खुशनुदी को हासिल करें, उसकी तरफ रजू लाने की कोशिश करें, उसकी तरफ तवज्जो देने की कोशिश करें कि खुदा मेरी ज़िंदगी से क्या चाह रहा है, खुदा मेरी ज़िंदगी से क्या काम लेना चाह रहा है, खुदा की खुशनुदी किस बात के अंदर है, मैं इन अयाम के अंदर क्या करूं ताकि मेरा रब राज़ी हो जाए, मेरा खुदावन मुझ पर अपनी शफकत करे और मेहरबानी से इन सारी खताओं को, इन सारी कमज़ोरियों को, इन सारे गुनाहों को मुआफ़ करे। तो ये वो वक्त है कि हमने अपनी ज़ात का एहतसाब करना है, अपने आप को देखना है और उन सारी कमज़ोरियों को, उन सारी गलत बातों को, उन सारे गलत रवैयों को तब्दील करके एक बेहतर मसीही मोमन बनने की कोशिश करना है। खुदावंद की तरफ रजू लाओ और उससे कहो कि हमारी तमाम खताकारी को दूर कर और नेकोकारी को कबूल कर, हमारी तमाम खताओं को हमसे दूर कर दे, हमें मुआफ़ कर दे, हमें बेहतर इंसान बना दे, हमें बेहतर मसीही मोमन बना दे, हमें एक अच्छा इंसान बना दे, हमारी ज़िंदगियों से वो सारी की सारी खताएं और गलतियां जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना रहें और हमारी नेकोकारी को कबूल कर। इन अयाम के अंदर जो भी हम तपस्या कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, नेक अमाल कर रहे हैं, हमारी इन चीज़ों को कबूल कर, हमारी नेकोकारियां तुझे पसंद आ जाएं, हमारा बदलाव जो है, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो एक खूबसूरत तब्दीली आई है वो तेरी मकबूल नज़र ठहरे और तू उस पर नज़र करे, उसे कबूल करे और हमारी सारी खताओं को मुआफ़ करे। ये रोज़ों का होशिया नबी की तरफ से दर्स है। तब हम अपने लबों से कुर्बानियां गुजरानेंगे, जब हम पाक साफ हो जाएंगे, जब तेरे मकबूल नज़र हो जाएंगे, जब तू हमें मुआफ़ कर देगा, जब हम तेरे बेटे और बेटियां बन जाएंगे, जब हम तेरी तालीमात, तेरे अहकामात को समझ लेंगे और उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देंगे, जब तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाएगा, जब तेरे कलाम से हम वफादारी की ज़िंदगी का आगाज़ कर देंगे,
तो फिर हम अपने लबों से कुर्बानियां गुजरानेंगे, तब हमारी सुनवाई होगी, तब तू हमारे करीब होगा और हमारी हर बात का तू जवाब देगा, क्योंकि हमने अपनी सारी बुरी रवशों को ख़त्म कर दिया है। अब हम तेरे हो के रह गए हैं, अब हमारी ज़िंदगी में तू ही तू है, तेरे सिवा और कोई नहीं है। तो तू हमारी मदद करेगा, तू हमारी कुर्बानियाँ और हमारे चढ़ावे, हमारी दुआएं सब कुछ कबूल करेगा। अशूर हमें रहाई ना देगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, हम अपने हाथों की मसनूआत से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो, क्योंकि यतीम तुझ ही से रहम पाता है, कि हम फिर अपने हाथों की बनाई हुई मसनूआत से फिर ना कहेंगे कि ये हमारे खुदा हैं। जिस तरह बनी इसराइल ने वो सोने का बछड़ा बनाया, मूसा पहाड़ पर था और उन्होंने नीचे वो बछड़ा बनाकर कहा कि ये हमारा खुदा है, ये हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया है, तो वो सारी बातें उनको बता रहा है कि आपने क्या क्या खताएं की हैं। हम फिर कभी घोड़ों पर सवार ना होंगे, हम अपनी ताकत का मुजाहरा ना करेंगे कि हम जोरावर हैं, हम ताकत वाले हैं, बल्कि अब से हम हलीम और फरोतन हो गए हैं, क्योंकि घोड़ा जो है वो ताकत की अलामत है। तो वो सारी की सारी ताकत अब हम तुझ में महसूस करेंगे कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं हैं, हमारी सारी बातें, हमारे सारे काम जो हैं वो तेरी ज़ाते मुबारका के गिर्द घूमते हैं और तुझ ही से हम कुव्वत और ताकत पाते हैं, तेरे बगैर कोई नहीं है, हम अब सिर्फ और सिर्फ तुझे अपना सच्चा वाहिद और हकीकी खुदा मानते हैं। अब तू हमारे साथ है, क्योंकि यतीम तुझ ही से रहम पाता है, मैं उनकी बरगश्तगी का इलाज करूंगा, मैं कुशादा दिली से उनको प्यार करूंगा। इंसान हमेशा बरगश्ता होता रहता है अपनी राह से, अपने ईमान से, अपने अकीदे से, अपने खुदा से दूर होता रहा है, और अब खुदा ये कह रहा है कि मैं इसका इलाज करूंगा, मैं उन्हें वापस लाऊंगा और मैं कुशादा दिली से इनको प्यार करूंगा, कुशादा दिली से, बड़े दिल से। और यही रोज़ों का असल मफहूम है, यही रोज़ों का ये हमारे लिए दर्स है कि खुदा हम सबको अपने दिल में कबूल करे, कुशादा दिली से हमको कबूल करे और हमें प्यार करे, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है। जब हम तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो खुदा का गज़ब जो है वो ठंडा हो जाता है। नैनवा की मिसाल आपके सामने है, जब उन्होंने तौबा की तो खुदा ने वो सारा मंसूबा जो है वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है, मैं इसराइल के लिए उसकी मानद हूँगा, उसकी मानद हूँगा, वो सोसन की तरह फूलेगा और देवदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा, उसकी कौंपलें फूटेंगी, उसमें जैतून के दरख्त की सी खूबसूरती और लबनान की सी खुशबू होगी, तब लोग दोबारा उसके ज़ेरे साया रहेंगे और गेहूं की मानद तरोताज़ा होंगे और ताक की तरह फूलेंगे और उनकी शोहरत लबनान की मैं की सी होगी। तो ये सारी की सारी खुशहाली की बात की गई है, तरक्की की बात की गई है, बहाली की बात की गई है, लेकिन इससे पहले हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है, हमने सच्चा इतराफ़ करना है, हमने अपनी उन सारी कोताहियों और कमज़ोरियों को खुदा के हजूर रखना है और बरमला इस बात का इकरार करना है कि हम सब गुनहगार हैं, मैं गुनहगार हूँ, मुझ पर रहम कर ताकि मैं तेरी खुशनूदी को हासिल कर सकूँ, ताकि तू खुशादा दिली से मुझे कबूल कर सके, मुझे प्यार कर सके। जब ये कनेक्शन हो जाएगा,
जब खुदा के साथ मिलाप हो जाएगा, जब खुदा आपको कबूल कर लेगा, जब खुदा के साथ दोस्ती हो जाएगी, जब खुदा के हम फर्जंद बन जाएंगे, जब हम खुदा की कुर्बत को हासिल कर लेंगे, तो फिर बहाली है, तरक्की है, खुशहाली है और हर तरह की बरकात और फजाइल हमें मिलेंगे, जिसका जिक्र आज होशिया नबी बड़ी खूबसूरती के साथ जैतून की बात कर रहा है, लुबनान की खुशबू की बात कर रहा है, गेहूं की तरोताजगी की बात कर रहा है। तो ये सारा कुछ हमें मिलेगा क्योंकि वो देता है, जो उससे मांगता है वो देता है। लेकिन मांगना किस कैसे है, पहले अपने आप को फरोतन करना है, पहले अपने आप को उसके मती करना है, पहले अपने आप को उसके सामने गिराना है, पहले अपने आप का वो सारा घमंड, अपनी सारी खुदी, अपनी सारी मैं, अपनी सारी ईगो, उसको ख़त्म करना है और उस ज़ात पर इन्हिसार करना है, उस ज़ात पर इन्हिसार करना है कि अब तू ही है जो मुझे सब कुछ फराहम कर सकता है, तू ही मेरा परवरदिगार है, तू ही मेरा राज़िक खुदा है, तू ही मेरा मुश्किल कुशा है, तू ही मेरी ज़िंदगी का खालिक और मालिक है। जब ये इतराफ़ और जब ये उस पर डिपेंड होना शुरू हो जाओगे तो फिर सारा कुछ मिलेगा। और ये रोज़ों के अय्याम हम सबको दावत देते हैं कि हम उसकी तरफ रजू लाएं। आज की पाक अंजील के अंदर खुदा की मोहब्बत के बारे में बयान किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का सारा नचोड़ और एहसन जो है वो बस इस हुक्म अजीम पर बेस करता है कि खुदा को प्यार करना है और इंसानों को प्यार करना है। बस सारी तालीम का नचोड़ जो है वो आज की इस पाक अंजील के अंदर पाया जाता है। उस वक्त फकीयों में से एक ने पास आकर यीशु से पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। पहले दो हुक्म थे तस्निया शरह की किताब के अंदर कि तू अपने रब को प्यार कर, अपने खुदा को प्यार कर, उसके सामने झुक। और अहबार की किताब में हमसाए के बारे में बयान किया गया। अहबार की किताब जो है वो पाकीज़गी के बारे में बताती है कि किस तरह हमने पाक और साफ होना है, किस तरह पाक और साफ रहना है। तो वो सारे कवानीन हमें बताए गए हैं। तो ये दोनों किताबें एक एक हुक्म को बयान करती हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इन दोनों हुक्मों को यकजा कर दिया है, मिला दिया है कि खुदा से प्यार करो और अपने हमसाए से अपनी मानिंद प्यार करना है। ये देखने में, पढ़ने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इस पर अमल करने की बात आती है तो ये इंतहाई मुश्किल बात है कि सुन इसराइल के खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। पहले तो खुदा की वाहदनियत पर हमारा यकीन होना चाहिए, उसकी हकानियत पर हमारा यकीन होना चाहिए कि वो वाहिद खुदा है और वो हक का खुदा है, सच्चा खुदा है, कामिल खुदा है, और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। इस बात को हमने, इस बात पर ईमान लाना है कि खुदा एक ही है और वो हक और सच की बात करता है, वो हमेशा इंसाफ करता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तू अपने, हमारा खुदावंद एक ही खुदावंद है, बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, दिल जो है चूंकि वो मोहब्बत की अलामत है, हम सब जानते हैं कि दिल
दिल जो है वो मोहब्बत की अलामत है। दिल से इंसान जो फैसले करता है वो सारे जज्बाती होते हैं, मोहब्बत पर मबनी होते हैं। तो दिल से, सारे दिल से कंप्लीट हार्ट जो है उसमें यीशु का मौजूद होना 50-50 नहीं है, मकारी नहीं है, चलाकी नहीं है, धोखा नहीं होना चाहिए। जो आजकल हम एक दूसरे को देते हैं मोहब्बत के बारे में, बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि मैं आसमान से सितारे तोड़ के लाऊंगा, लेकिन उनके अंदर सदाकत नहीं होती, सदाकत नहीं होती। तो जब खुदा के साथ मोहब्बत का मामला है तो ये इश्क हकीकी की बात है, और फिर सारा कुछ भूलना पड़ता है, सब कुछ भूलना पड़ता है, अपने सारे दिल से। दिल इंसान की जिंदगी का मरकज है। दिल धड़कता है तो जिंदगी है, दिल धड़कना बंद कर दे तो जिंदगी की नफी हो जाती है। लोग कहते हैं बस जल्दी करो, ये मुर्दा है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। तो दिल जो है वो इंसानी जिंदगी का मरकज और महवर है, और खुदा का तकाजा ये है कि जो आपकी जिंदगी का मरकज है वही दिल मेरी जिंदगी का मरकज बने। हम उस दिल के अंदर यीशु की मोहब्बत और यीशु की शख्सियत को और यीशु के कलाम को पूरी तरह से समा दें। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान अपने सारे दिल, ये यहां पर सारे सारी जो है वो बहुत अहमियत के हामिल है कि आपका पूरा दिल जो है वो खुदा को याद करे, फिर मौजज़े होते हैं, फिर बात बनती है, फिर खुदा कहता है कि तूने क्या, तुझे किस बात की जरूरत है, मैं चलाया और तूने मेरी सुनी। जब पूरे दिल से और पूरी जान, सारी जान और अपनी सारी अकल से, एक दिल मरकज है और एक जहन मरकज है, तो ये इंसानी जिंदगी के वो हिस्से हैं जिन पर सारी इंसानी जिंदगी का दारोमदार है। जो बड़ी सोच समझ के अकल से जो फैसले होते हैं वो जहन से होते हैं, और जो जज्बाती फैसले होते हैं वो दिल से होते हैं। तो यहां पर पूरे दिल से, सारे दिल से, सारी जान और सारी अकल, ये ज़हन को भी पूरी तरह खुदा के हाथ में दे देना, खुदा के स्पुर्द कर देना, अपनी सारी शख्सियत को, जिंदगी को उसके हाथों में दे देना, कुली तौर पर, फुली तौर पर उसके सामने झुक जाना कि ये तेरा दिया हुआ है, ये सारी शख्सियत, सारी जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है, मेरे वजूद में है, वो तेरा है। तू इस वजूद का बनाने वाला है, ये तेरे हाथ की कारागरी है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं तेरा हूं क्योंकि तूने मुझे बनाया है। जबूर नवीस कहता है कि ऐ खुदा, मैं तू मुझे उस वक्त से जानता है जब मैं अपने मां की पेट में तरतीब पा रहा था, बन रहा था, तू उस वक्त से मुझे जानता है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से, जिस पर हम बड़ा नाज करते हैं कभी कभी, अपनी बहादुरी पर, अपनी जुर्रत पर, अपनी दलेरी पर, सारी ताकत से, कहीं भी नहीं लिखा के थोड़ी ताकत से, थोड़े आधे दिल से। चार बातें हैं, सारे दिल से, सारी जान से, सारी अकल से,
और सारी ताकत से। तो यही इंसान की जिंदगी के अंदर बातें हैं, इनको इकट्ठा किया जाए तो इंसान बनता है मुरक्कब। इन चार बातों का, जहन का, दिल का, जान का, कुवत का। तो अपनी सारी कुवत से, जितनी कुवत हम और कामों पर लगाते हैं उतनी ही खुदा के साथ प्यार करना है, कुवत के साथ, गर्मजोशी के साथ, वलवले के साथ, ताकत के साथ, अरक्रेजी के साथ। कई दफा हम देखते हैं कि लोग बड़े आंसुओं से दुआ कर रहे होते हैं, तो वो अपनी सारी शख्सियत को उंडेल रहे होते हैं। खन्ना की दुआ आपके सामने है कि वो किस तरह आंसुओं से दुआ कर रही थी, पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से। यही खुदा इन अयाम के अंदर चाहता है कि हम अपने सारे दिल के साथ, अपनी सारी जान के साथ, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदा को प्यार करें। ये असल प्यार है, ये इश्क हकीकी है कि फिर कोई नजर नहीं आता, कोई रिश्ता नजर नहीं आता, कोई बात नजर नहीं आती, कोई और चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपकी सारी की सारी तवज्जो, आपकी सारी अकल, आपका सारा दिल, आपकी सारी कुव्वत तो उसे देख रही है, उसके साथ आपकी बात हो रही है। फिर ये जहान, ये दौलत, ये चीजें कोई मानी नहीं रखती, कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि आप बहुत आगे चले गए हैं खुदा की मोहब्बत में। और ये दर्ज बदर्जा जो है चीज़ें मिलती हैं जब हम खुदा को देखने की कोशिश करते हैं, खुदा की तरफ रुजू लाने की कोशिश करते हैं, तो फिर खुदा हमारी जिंदगियों में आता है। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर, अपनी मानद। दुनिया का कोई शख्स जो है वो अपने आप को तकलीफ देना नहीं चाहता। हर इंसान अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, अपनी खूबसूरती के बारे में सोचता है, अपनी जात के बारे में सोचता है, क्योंकि कोई शख्स भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करता। तो खुदा कहता है कि जो तू अपने बारे में सोचता है वही तेरी सोच जो है तेरे हमसाए के बारे में होनी चाहिए। और ये एक बड़ा मुश्किल अमल है कि अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना। आज का दौर इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल बात है कि हम अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करें। और यीशु की सारी तालीम इस एक नुक्ते पर है। उसने दो हुक्मों को एक कर दिया, हुक्म अजीम बन गया। और जिस तरह यह हुक्म अजीम है इसी तरह इसको मानने वाले भी अजीम बन जाते हैं, अजीम हो जाते हैं। अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। और यीशु का जो व्यू है हमसाए के बारे में वो बहुत ब्रॉडर है। ये नहीं बस दीवार वाला जो घर है वो इधर या उधर वो हमसाया है। यीशु ने हमसाए के कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा कर दिया हुआ है। हर वो जरूरतमंद शख्स आपका हमसाया है जो आपके पास आता है, या जिसको आप समझ रहे हैं कि इसको मेरी जरूरत है, वो आपका हमसाया है। और इन अयाम के अंदर आपने हर उस शख्स से प्यार करना है, हर उस शख्स को कबूल करना है, हर उस शख्स की मदद करनी है, हर उस शख्स को अपना बनाना है, हर उस शख्स को खुदा
के कहे हुए के मुताबिक उसको अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना है, तब जाकर हमारे रोज़े पूरे होते हैं, तब रोज़ों का मफहूम जो है हमें समझ में आता है, तब जाकर हम खुदा की कबूलियत के लायक बनते हैं। तो जब तक हम अपने हमसाए को अपनी मानत प्यार नहीं करते, उस वक्त तक हमारी दुआएं, रोज़े, नमाजें जो हैं वो बेमानी रहती हैं। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फकीहा ने उससे कहा, क्या खूब है उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत और अपने हमसाए को अपनी मानत प्यार करना सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से अफजल है। ये ऐसा एक हुक्म खुदावंद ने बना दिया है कि अगर आप इस पर अमल करते हैं तो ये सारी कुर्बानियों से, ज़बीहों से, चढ़ावों से अफजल बात है। अफजल बात है कि हम खुदा को और हमारे इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों को प्यार करना सीख जाएं, तो फिर और किसी बात की ज़रूरत नहीं है। ये सब सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों से अफजल है। और जब यस्सु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया, तो उसने कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं, और बात अजां किसी को सवाल करने की जुर्रत ना हुई। तो रोज़ों के चौथे जुमे में, जबकि हम इस खूबसूरत रूहानी सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं, तो इस चौथे जुमे के अंदर खूबसूरत बात, खूबसूरत कलाम और यीशु की सारी तालीम का निचोड़ और एसन जो है वो आपको बता दिया गया है कि आपने अपनी सारी कुव्वत के साथ, अपने सारे दिल के साथ, अपनी सारी अक्ल के साथ खुदा को प्यार करना है और अपनी मानद अपने हमसाए को प्यार करना है। खुदा आप सबको इस खूबसूरत तालीम पर, इस हुक्म अजीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम खुदा के मकबूल नज़र ठहर सकें, खुदा के अच्छे बेटे और बेटियां बन सकें, खुदा के अच्छे शागिर्द बन सकें, खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकें और अपने रब को राज़ी कर सकें इस हुक्म अजीम पर अमल करके। तो रब राज़ी ते सारा जग राज़ी। आए रब को राज़ी करें इन अयाम के अंदर, और रब खुद ही राज़ी हो जाएगा। और मुश्किल यही है कि हम इंसानों को राज़ी नहीं करते, तो रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इंसानों को राज़ी करना होगा, अपने हमसाए को देखना होगा, अब किसी भी ज़रूरतमंद शख्स को देखना होगा कि वो उसकी ज़रूरत क्या है, मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ, तब जाकर हमारा खुदावंद राज़ी होगा। खुदा आप सबको बरकत अता करे।